अग्निदेव चोपड़ा। चोपड़ा नाम से क्या आप सोच रहे हैं कि एक और फिल्म में लॉन्च होने वाला बच्चा है ये? नहीं 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 नहीं, ये हालांकि इनके इनके फादर साहब हैं विधु विनोद चोपड़ा और इनकी माता श्री हैं अनुपमा चोपड़ा, जो कि एक बहुत ही मशहूर निर्देशक, निर्माता और एक फिल्म क्रिटिक के साहबजादे हैं। इन्होंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है रणजी ट्रॉफी में। पिछले 4 मैच में इन्होंने जड़ दिए हैं 5 सेंचुरीज। अपनी शुरुआत शिवाजी पार्क से करी और उसके बाद MIG एकेडमी में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के लिए खेला। जब लास्ट सीजन में प्री सीजन टूर्स में उनका सिलेक्शन मुंबई की तरफ से नहीं हुआ तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने मिजोरम के सिलेक्शन ट्रायल्स में अपना नाम दिया और वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। अब वो मिजोरम की तरफ से नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। पिछले 4 मैच में उन्होंने 5 सेंचुरीज जड़ दी हैं। पहला मैच मेघालय के खिलाफ उन्होंने बनाए 105 और 101 रन। उसके बाद मैच था अरुणाचल के खिलाफ और उन्होंने बनाए 114 रन। फिर उन्होंने खेला नागालैंड और नागालैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए 166 रन्स। और लास्ट मैच जो कि था सिक्किम के खिलाफ और उसमें उन्होंने बनाए 166 एंड 92। देखिए इतने सारी सेंचुरीज का ये एक रिकॉर्ड है रणजी ट्रॉफी में। किसी और ने अभी तक रणजी ट्रॉफी में हर मैच में एक सेंचुरी नहीं जड़ी है। बैटिंग एवरेज एकदम बेहतरीन है, वो है 96 और उनकी स्ट्राइक रेट है 111.80। उनका ये कहना है कि उन्हें मूवीज देखना तो पसंद है मगर मूवीज उनका पैशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना करियर क्रिकेट चुना है। उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी दबाव नहीं था। इनफैक्ट उनके डैड ने बचपन में कहा था उनसे और उनके सिस्टर से कि मोची बनना है तो मोची बनो मगर सड़क का सबसे बेहतरीन मोची बनो। चलिए मोची तो नहीं बने हैं, वो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर बनने की राह पे हैं। वो उनके डैड ने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, 3 इडियट्स, PK, मोमना भाई, MBBS, किसी भी तरह से उनका करियर एकदम सेट हो सकता था। नेपोटिज्म में आ सकते थे वो और एक फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम भी कर सकते थे। हालांकि उसको उन्होंने चुना नहीं, ना ही उनके डैड ने इस बात के लिए इस सोच के लिए उन्हें प्रमोट किया, तो इसलिए उन्होंने फिल्मों का चयन नहीं किया और वो अपने पैशन क्रिकेट को कंटिन्यू करते रहे। उनको बेहतरीन शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम उन्हें टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए पाएंगे।